नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं ड्रोन्स की, जो अभी तक आपने शादी ब्याह में फोटोग्राफी करते हुए देखे होंगे और आप साथ ही सोच रहे होंगे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के साथ ड्रोन्स का क्या लेना देना है और ये ट्रांसपोर्ट टीवी पर इसकी चर्चा क्यों हो रही है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप थोड़ा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि लगभग 20 साल पहले जब हमारे घर में लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, कभी हमने सोचा था कि हमारी जेब में कभी दो दो मोबाइल फ़ोन होंगे और जो हम कारोबार कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, वो मोबाइल के बिना आज हम सोच ही नहीं सकते हैं। और इसी तरह से कंप्यूटर, किसी टाइम में ये था कि बच्चे को कंप्यूटर का कोर्स कराना है और उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी बस। लेकिन आज हमारा, चाहे आप व्यापारी हैं या आप ट्रांसपोर्टर हैं, आप कंप्यूटर के बिना अपने काम के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। इसी तरह से आने वाले दिनों में हो सकता है ड्रोन के साथ कुछ ऐसा ही हो कि आपका कारोबारी फ्यूचर में ड्रोन के बिना ना चले। इसीलिए हमने सोचा कि हमें ड्रोन के बारे में कुछ जानकारी आपको देनी चाहिए। तो बड़े ही कम शब्दों में हम आपको ड्रोन के बारे में बताएंगे कि बीते दिनों 1 दिसंबर 2018 को भारत सरकार द्वारा ड्रोन के बारे में नीति बनाई गई है, नियम बना दिए गए हैं, उसे कहा गया है ड्रोन 1.0। इस नीतियों में क्या है, सबसे पहले तो इन्होंने ड्रोन की कैटेगरी डिफाइन कर दी। जैसे हम कहते हैं कि लाइट मोटर व्हीकल है, मीडियम मोटर व्हीकल है या हैवी कमर्शियल व्हीकल है, उसी तरह से कैटेगरी बना दी है 5। पहली कैटेगरी है नैनो। नैनो ये भी वजन के हिसाब से इनकी कैटेगरीज हैं। तो नैनो जो ड्रोन है उसकी जो 250 ग्राम के नीचे उसका वजन है वो नैनो है, और जो 250 ग्राम से 2 किलो के बीच में है वो माइक्रो है, और जो 2 किलो और 25 किलो के बीच में है वो स्मॉल है, और 25 किलो और 150 किलो के बीच में जो है वो मीडियम है, और 150 क्विंटल से ऊपर वाले जितने भी ड्रोन हैं वो लार्ज ड्रोन कैटेगरी में आएंगे। जी हाँ, 150 क्विंटल। तो आप सोच लीजिए कि अगर 150 क्विंटल का ड्रोन उठेगा वो क्या क्या करेगा, उड़ेगा। इसके बाद ये भी बता दिया गया है कि आप इसे कितनी हाइट में उड़ा सकते हैं। तो जो मैक्सिमम हाइट फिलहाल है वो 400 फीट है, 400 फीट के ऊपर ड्रोन नहीं जा सकता है और बियॉन्ड विजुअल साइट नहीं जा सकता है। कहने का मतलब इतनी ऊंचे नहीं जा सकता है और इस तरह से नहीं उड़ सकता है कि आपको किसी को वो दिखे ना। एक तो रात में आप नहीं उड़ा सकते हैं इसे, और दूसरा कि आप इसको बादलों से ऊपर नहीं उड़ा सकते हैं या छुपा के नहीं उड़ा सकते। और अब बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर फिलहाल अभी कहाँ कहाँ इसे उड़ाने का, इस्तेमाल करने का जो है अलाउ किया गया है। सबसे पहले तो मैपिंग, जो लोग नक्शे बनाते हैं घर का हो सकता है, गली मोहल्ले का हो सकता है, देश का हो सकता है, बॉर्डर्स का हो सकता है, तो मैपिंग के काम आएगा ये। दूसरा सर्वे करने के, जैसे फसलें ख़राब हो जाती हैं अक्सर तो मुख्यमंत्री वगैरह जहाज़ों में बैठ के सर्वे करते हैं दिखाने के लिए, लेकिन रियल सर्वे कर सकते हैं इसमें, कितनी फसल ख़राब हुई है, कैसा हुआ है। और तीसरा है कमर्शियल फोटोग्राफी, जो ऑलरेडी चल रही है फोटोग्राफी के लिए। और चौथा है सिक्योरिटी के लिए, जैसे मान लीजिए पुलिस को या अथॉरिटीज़ को लगता है कि यहाँ पर खतरा है, देख रेख की ज़रूरत है, तो वो ड्रोन उड़ाकर भी ये काम कर सकते हैं। और पांचवा है मॉनिटरिंग लाइफ स्टॉक बाय फार्मर्स, जो हमारे किसान हैं वो अपने जो जानवर होते हैं उनके पास, उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कोई ज़माना था जैसे अभी वो पीछे पीछे उसको चरवाहे जो होते हैं तो वो उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि इधर उधर ना चले जाए, या फसलों की देख रेख करनी है, तो वो आने वाले दिनों में अभी भी इवन तो आप ड्रोन के ज़रिए कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक कदम है। अब इसको एक रजिस्ट्रेशन के बारे में बता देते हैं कि क्या इसकी भी वाहनों की जरा रजिस्ट्रेशन होगी। जी हाँ होगी, जैसे हम वाहन को रजिस्टर करते हैं उसी तरह से आपको ड्रोन को रजिस्टर करना होगा। ड्रोन को नहीं, उसके मालिक को भी और उसके ड्राइवर को भी, जिसको पायलट कहा जाएगा, तीनों को पहले रजिस्टर होना होगा। इसमें सिर्फ नैनो ड्रोन जो छोटा है 250 ग्राम के नीचे है उसको रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप ऐसे ही उड़ा सकते हैं। अब और भी एक दिलचस्प आपको बात बताते हैं कि क्या ऐसा है कि आपने खरीद लिया ड्रोन, रजिस्ट्रेशन करा ली, जब चीज़ चाहे उसे उड़ा दिया। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, उस मोबाइल ऐप में आपका ड्रोन का नंबर, आपका नंबर फीड होगा, फिर उस पर आप परमिशन भेजेंगे, जब भी आपको उड़ाना है आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे कि मैं उड़ा सकता हूँ कि नहीं, और इमीडिएटली आपको रिस्पांस आएगा मिनिस्ट्री की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, कि हाँ उड़ा सकते हैं तो उड़ाएंगे, और अगर रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद आप जो मर्जी कर लीजिए, वो ड्रोन उड़ेगा ही नहीं।
तो इस तरह से, क्योंकि ये सब इसलिए भी किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये एक तरह से एयरक्राफ्ट है, एक छोटा जहाज है। इसका नाम भी रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम रखा गया है। ड्रोन हम वैसे बोलचाल की भाषा में से बोलते हैं, और अगर मान लीजिए हम इसको ऐसी जगह उड़ा दें जहाँ पास में एयरपोर्ट हो, तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत है। एयरपोर्ट के पास में नहीं उड़ा सकते आप इसको, जैसे मान लीजिए कोई मंत्रालय है, दिल्ली में भी राजीव चौक है, ऐसी कुछ जगह भी डिफाइन कर दी गई है जहाँ पर आप इसे नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी इशू बन सकता है, कल को गलत काम भी किए जा सकते हैं इसके साथ। लास्ट में आपको बता दें कि ये जो ड्रोन होगा, ये इसको मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर नहीं आएगा, और ना ही इसे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है वो इसे मॉनिटर करेगी। इसे मॉनिटर करेगी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, जो हवाई जहाज वगैरह को कंट्रोल करती है, और इसकी जो ये रेगुलेशन है वो भी डीजी ऑफिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा जारी की गई है। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ये कैसे काम आएगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर फिलहाल तो इसमें मनाही है, लेकिन जो इसकी नई रेगुलेशन आ रही है 2.0, उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इसमें अलाउ करने जा रहे हैं वो। और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो जो कुरियर एजेंसी का काम करते हैं, आज की डेट में हमारे घर में कुरियर आता है 100 ग्राम से लेकर वो 5 किलो 10 किलो 50 किलो का भी होता है, तो वो उसमें कुछ कैटेगरी ऐसी होगी जो अलाउ कर दी जाएगी। कुरियर कंपनी अपना लड़का भेजने से बेटर है कि वो ड्रोन भेजेगी आपके घर में, और आपका माल जो है डिलीवर हो जाएगा। तो जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स किराने का काम, जो परचून का काम बोल देते हैं, जो अलग अलग लोगों का माल एक ट्रक में लेके जाते हैं, वो लोग इसकी अब डिलीवरी भी कर पाएंगे घरों पे, अगर वो ड्रोन का इस्तेमाल करके। जी हाँ, इसलिए हम कह रहे थे कि ये बहुत जल्द रियलिटी हो सकता है, 2019 में ही हो सकता है ये काम हो जाए। इसके अलावा जैसे ये चला है, जोमेटो है या स्विगी वगैरह जो घर में खाना डिलीवर करते हैं, पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं, वो तो इसका ट्रायल भी कर चुके हैं अमेरिका वगैरह में, करके वो देख चुके हैं। अब तो सिर्फ इंतज़ार है उनको कि कब भारत सरकार उन्हें अलाउ करे और कब वो अपना काम शुरू कर दें। देखिए, इससे नौकरियां भी जाएंगी बहुत लोगों की, लेकिन फिर भी जो एज अ ट्रांसपोर्टर, एज अ कारोबारी, आपको ये सोचना चाहिए कि मैं अपने कारोबार में ड्रोन का क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं बेटर सर्विस इसके साथ दे सकता हूँ। आने वाले दिनों में ये होगा और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हो सकता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर की ये बहुत एक अहम ज़रूरत बन जाए, इसीलिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें, और भी ज़्यादा जानकारी जब आएगी ड्रोन के बारे में हम आपको टाइम टू टाइम देंगे, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि ट्रांसपोर्ट जगत की कोई भी खबर छूट ना जाए।